भाई साहब, मेरी यहाँ सभी दर्शकों से प्रार्थना है, अभी यहाँ इस पीडब्ल्यू दफ्तर के साथ पुल के नीचे रैंप बहुत जरूरी है। अगर रैंप नहीं बनेंगे तो यहाँ हादसे रोजाना के होते रहेंगे, कभी कल परसों छोटे बड़े हादसे मौत पर्यंत हो रही है, क्योंकि यहाँ टीवीएस के शोरूम के आगे वहीं भी होना चाहिए। ऑटो मार्केट की रोड होगी, इधर रॉन्ग साइड सर्विस रोड है जो बस स्टैंड की तरफ चलती है, एक से एक जो कस्टमर आता है या जो बाइक चालक है, फोर व्हीलर चालक है, वो स्पीड से आता है और सभी अपने सेफ्टी चलते हैं, फिर भी हादसे बाई चांस हो ही सकते हैं। इनसे बचाव के लिए हम ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी, ताकि हमें अपने व्हीकल को कंट्रोल कर सकें और अपने जान जोखिम को डालने से बचा सकें। ठीक है। तो घर बैठा काम कर रहा था हमने लैपटॉप पे, तो फ़ोन आया यहीं से किसी से टैक्सी स्टैंड का कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया किसी बच्चे का। फिर घर से इसकी मम्मी का फ़ोन आया, अंश नाम का लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, अब जल्दी पहुँचो। हम वहाँ पहुँचे थे तो वो डस्टर गाड़ी वहाँ खड़ी है, हरियाणा नंबर सिरसा नंबर ही है, वो काफ़ी अंदर चोट लगी उसके डस्टर के भी। वहाँ से बताया कि सिविल अस्पताल लाए हैं इनको, मैं सिविल अस्पताल आया हूँ तो इसको अब ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब दे रहे हैं, सीटी स्कैन अभी कहा है कि हो सकता है सिर में चोट लगी हो, तो सीटी स्कैन के लिए भेजा था, तो देखो अभी उसकी रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा। कितने, दो लड़के हैं? दो लड़के हैं। हाँ, डॉक्टर रॉन्ग साइड आ रही थी, वो वहीं खड़ी अभी रॉन्ग साइड पर ही। डॉक्टर साहब तो भी कह रहे हैं सीटी स्कैन का कुछ वो डायग्नोज कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। एक बार तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है इनिशियल वो दे दिया। कंडीशन ज़्यादा सीरियस तो नहीं है अभी तक? तो नहीं है, जब तक सीटी की रिपोर्ट नहीं आती। वो हेड का सीटी कराया है तो हो सकता है कोई इंटरनल इंजरी ना हो, तो सब ठीक ठाक ही है।